नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए जिले की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर मनाया स्वच्छता दिवस। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त भारत देश संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट राखी निगम के साथ। मौका था गांधी जयंती का, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर स्वच्छता ही सेवा मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट संग्रह श्रमदान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मंत्री ब्रजेश, मंत्री महेंद्र सिंह, लखनऊ महापौर भी उपस्थित रही। वही इस भव्य कार्यक्रम में लखनऊ की समस्त जनता, स्कूल कॉलेज के बच्चों के अलावा सभी संगठनों ने भी पूर्ण सहभागिता दिखाई। स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे एवं प्लास्टिक से फैलने वाली गंदगी एवं प्रदूषण के बारे में बताया। बोलेंगे जो संकल्प लेंगे, मेरे सामने संकल्प ले रहे हैं। शारदीय नवरात्र का अवसर है, नवरात्र में झूठ नहीं बोला जाता है, और इसलिए इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। गांधी जी के प्रति और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि शारदीय नवरात्र में हम इस बेहद अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। मैं बोलूंगा सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हाथ आगे करते हुए बोलेंगे। मैं शपथ देता हूं कि मैं अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल, समाज में किसी भी समारोह के दौरान प्लास्टिक अथवा थर्माकोल निर्मित बर्तनों जैसे प्लेट, चम्मच, गिलास, कप आदि का उपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों व समुद्र आदि में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक एवं अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकूंगा। मैं खरीदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े या जूट के थैले अथवा बैग का ही प्रयोग करूंगा। संकल्प लेता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कतई नहीं करूंगा। भारत माता की महात्मा गांधी की लाल बहादुर शास्त्री की वंदे। बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री योगी नाथ जी रतन चौराहे पे 1090 चौराहे पे प्लास्टिक मुक्त भारत देश बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माननीय योगी नाथ जी आए हुए हैं और लखनऊ की समस्त जनता से उन्होंने अपील की और शपथ भी दिलाई कि आज हम एक संकल्प लेते हैं कि एक प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। कौन से कॉलेज से? आपका इस प्रोग्राम से क्या कहना है? यही कहना है कि हमें
आपको क्या लगता है, आपने ये संकल्प लिया है, आप ये संकल्प पूरा करेंगी? यस मैम। आप सब पूरा करेंगे? यस मैम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। यहाँ से आपको ये बताइए, जैसे कि आपने देखा जो ज्योतिनाथ जी ने जो संकल्प लिया उसके प्रति आपका क्या अनुभव? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जागरूकता ही बहुत बड़ी बात होती है जन जन के लिए। और विद्यालय के बच्चों को बुलाकर मैं ठीक है कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, और विद्यालय के बच्चों को बुलाकर आज के बच्चे कल के युवा यही जाने की बुलाएंगे, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूँ विद्यालय। मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कहा वो भी नवरात्रि के दिन पे, उस पर झूठ नहीं बोला था, जो बोलेंगे सच बोलेंगे कि भैया 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 भारत और सफल भारत, ये कहने का मतलब तात्पर्य है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, तो हम लोग स्वच्छ भारत और विशाल भारत बनाएगा। स्वच्छता हमारा प्रमुख हमारा दायित्व रहेगा आज के बाद, हम लोग जहाँ कहीं भी अपने को भी स्वच्छ करेंगे और जन जागरण में ही जागरूकता करेंगे। लखनऊ के जाने माने से लगा के बड़े से छोटे सभी कॉलेज स्कूलों के बच्चों ने योग माननीय योगी जी के प्रोग्राम में सहभागिता दी है। आइए बात करते हैं ऑलमाइटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के बच्चों से। बेटा जैसा कि आपने देखा माननीय योगी जी ने जो संदेश दिया उसके प्रति आप लोगों का क्या कहना? आपको क्या लगा बेटा? खड़े होते आपका नाम किस कॉलेज से? बताइए आपको क्या लगा योगी? अच्छा लगा आपको? आप किस संकल्प से सहमत हैं? बड़े बड़े कॉलेजों के छोटे छोटे कॉलेजों के बच्चों ने सहभागिता दी, वहीं लखनऊ के समस्त संगठन नारी सुरक्षा संगठन ने भी बड़े बड़े ही संख्या में सहभागिता दी है। आइए बात करते हैं नारी सुरक्षा संगठन से। वहीं खड़े सामने बिल्कुल साहब, साहब सामने खड़े। सर ये बताइए, जैसा कि माननीय योगी जी ने आज संकल्प दिलाया उसके प्रति आपका क्या कहना है, क्या विचार है? हम लोगों ने भी हमारे चीफ वार्डन साहब के नेतृत्व में ये डिसीजन दिया है कि आज ट्रस्ट के सावन क्षेत्र में हमारा पूरा सिविल डिफेंस यहाँ आया था और अपने क्षेत्र में सफाई अभियान में पूरा सहयोग करते हुए आया था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं उन्होंने सफाई अभियान चलाया था, उसको करते हुए आया था कि जहाँ पे आके हम इस कार्यक्रम को एकदम सफल बनाएंगे और जितना हो सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।